me know as soon as possible, okay? Of course, we have your case registered with us. Any information that we get, I shall come personally to your place to inform you. We are at your service. Thank you so much. That's cool. Kya case hai? Ma'am, I've misplaced my license. नौकरी कर ले अब पुलिस की नौकरी छोड़ कर ना बैंक ज्वाइन कर ले तू लोगों ने क्रेडिट कार्ड बेच ना लोन दे लोगों ने बेटर बन जा कतई दरमान बन जा होटल के बाहर खड़ा हो ले तू ना जितनी फायर डलवाई थी ना थारे में सब चली गई है बह गया एकदम फिनिश हो गया है तू किसी काम का ना रहा भिंडी छील लोगों के घर में जाके भरवा बैंगन बना बस मैडम बस 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 मैडम मैं आज इस डंडे को तेल पिलाकर सुला देता और आज इस चौकी में जिसके खिलाफ भी एफआईआर लिखी जाएगी ना उस इंसान को कल मैं इसी डंडे से लतेड़ लतेड़ के लपेट लपेट के घसीट घसीट के सूतूंगा फिर आप ये नहीं कह पाएंगी मैडम कि वेटर बन जा बैंक में काम करना है मैडम नहीं अगर तूने ऐसा नहीं किया तो अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना गोपी तो मैडम का हाथ मेरा गाल मैडम का डंडा मेरा ये खूबसूरत बदन मैडम का जूता मेरा सर अरे मारो मुंह पे आप चुप रहिए चिरंजी मौसा एक्सक्यूज मी मैडम क्या है कि हमें एफआईआर लिखवानी है हिंदी में ना अंग्रेजी में लिख दूं अगर मैं तो क्या करेगा निमट जाएगा यहीं या मन ने मार देगा गोली दाग देगा हमारे पे हम बताते हैं देखिए मैडम ये हमारा भांजा है गुन्नू रिश्तेदारी में और हम इसके मौसा है चप्पू रिश्तेदारी में अबे ओ रिश्तेदारी के प्लेटफॉर्म ना रोक ले अपनी ट्रेन ने वरना ऐसी थारी लाइफ की जो है चेन पुलिंग करूंगी ना मैं कि जुर्माना भी ना भरूंगी बोल मैटर क्या है सिंपल मैडम मैटर ये है कि एक साल पहले है ना हमारी शादी हुई थी हिंदी में ओ बीवी कैसी है गोरी गोरी के बाकी छोरी अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की अरे भोली है मैडम मैं तो तफ्तीश कर रहा हूँ ना तफ्तीश करने की जरूरत ना है वरना 32 दांत निकाल के जो है यहाँ मेज पे सजा दूंगी एक एक करके मैडम बात ये कि हमारी एक मौसी है जो दुबई में रहती है जो बहुत पैसे वाली है तो एक साल पहले जब हमारी शादी हुई थी ना तो उसका सारा खर्चा ना उन्होंने स्पॉन्सर किया था लेकिन उन दिनों में ना उनकी तबीयत नादुरुस्त होने की वजह से वो हमारी शादी में नहीं आ पाई थी मैडम बात यह है कि वो जो दुबई वाली मौसी है ना उनके हस्बैंड यानी कि राम नारायण मौसा है ना वो दुबई से यहाँ पे आ रहे हैं और उनको क्या है कि हमारे शादी का एल्बम देख रहे हैं कि कौन आया था क्या क्या खाया था क्या पिया था क्या कपड़े पहने थे हिंदी में अरे वो यहाँ ये देखने आ रहे हैं कि 10 लाख शादी में खर्च हुए या तुम हड़प गए हो रिश्तेदारी में अरे यूं ही नहीं एल्बम देख रहे रिश्तेदारी में हाँ अरे एल्बम मारो मुंह पे अबे तो दिखा दो मौसा ने एल्बम इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही अब कैसे दिखा दे मैडम वो शादी का एल्बम तो हमारे पास है ही नहीं ना एक चपेड़ मारूंगा कान के नीचे तूने शादी का एल्बम क्यों नहीं बनवाया नहीं नहीं बनवाया था मैडम वो आशा स्टूडियो वाला है ना उन्होंने हमारे शादी के फोटो खींचे थे अब एक साल हो गया शादी को लेकिन अभी तक वो है ना हमें एल्बम ही नहीं दे रहा है अबे तो बता दो मौसा ने ना खुल्लम खुल्ला कि भैया आशा स्टूडियो वाला एल्बम ना दे रहा बात खत्म नहीं बता सकते ना मैडम क्योंकि हमारी जो दुबई वाली मौसी है ना उसका नेचर बिल्कुल हमारी अम्मा पर गया हुआ है दोनों बहुत चक्की है मैंने कह के हम बिल्कुल उनके जहन में ये बात आना देना नहीं चाहते कि वो 10 लाख है ना हम खा गए डकार गए शादी में खर्चा हुआ ही नहीं आप एक ही काम कीजिए मैडम आप है ना वो आशा स्टूडियो वाले को बुलवाइए और हमारा शादी का एल्बम हमें दिलवाइए हिंदी में कौन हो रहा है ये स्टूडियो वाला है जो लोगों की जो है शादी की फोटो खींचे और एनिवर्सरी तक दे ना उन्हें बुलवा जरा साले ने हाँ जी जी मम्मी जी हाँ बुला बुला गोपी कल इस तेल पिए हुए डंडे से उस इंसान को मैं सूतूंगा अरे डंडा मारो मुंह पे चुप रहिए ना आप निकलो निकलो हाँ जाते हैं हिंदी में तो बोलिए तू भी इन्हीं में से एक है तने झेलते हैं हम रोज बुढ़ाऊ आइए आइए ओए कसम मैं पंजाब दी मिट्टी दी मैं तेरे फटे चक देगा कमलना माणा शुका कहता मैं हां
बाहर तो गले में हाथ डालते झूलते झूलते आ रहे थे और यहाँ आते ही सन्नी देवल बन गए खेची खेची ने। शट अप। ओ बुढ़ाऊ राधा जो है खून में गर्मी लाने की जरूरत ना है वरना बीपी हाई होके जो है यही निमट जाएगा। और मन ने तो कहता इंप्रेस करना थारी रियलिटी मारे से तो छुपी ना है भाई। इंप्रेस तो आज मन ने गुलगुले करेगा। आजा भाई गुलगुले घने कसमे बाद दिखा रहा था आजा और सूत ले इस फोटोग्राफर ने। आज ये इंसान मेरे हाथों से नहीं बचेगा मैडम। इस तेल पिए डंडे से मैं इसे नन्पन्नो मित्र मेरा जवानी का यार मैं तेरा जिगरी जिगरी दोस्त आजा गले मिल जा केची केची ने। अरे जिगरी वागेला केची केची ने। अरे यार तू गुजरात से यहाँ आ गया फोटो स्टूडियो खोल गया मुझे बताया तक नहीं। अरे मैडम ये मेरा बचपन का दोस्त है बचपन का जिगरी यार है जिगरी। वेरी गुड हैप्पी फ्रेंडशिप डे। इब जय बीरू जो है मिलके गाना वाना गाएंगे मोपेड पे पर उससे पहले जरा सूत ले इसने क्योंकि कानून कोई दोस्ती यारी रिलेशनशिप कोई ना देखा करे कानून अंधा हो बे। और वैसे भी तैने कही थी कि अगर तू उस आदमी ने ना मार पाया जिसकी FIR लिखी गई है तो भाई मारा हाथ और थारा गाल ना मारा डंडा और थारा खूबसूरत बदन। मैडम मेरे इतने सालों की चमचागिरी का वास्ता मैडम मैडम मैं अपने जिगरी दोस्त को कैसे मार सकता हूँ और एट द सेम टाइम मैं आपसे मार खाना भी नहीं चाहता कुछ कीजिए ना मैडम इसे माफ कर दीजिए ना प्लीज। नहीं सबसे महान है आप मैडम प्लीज कर दीजिए ना इसे माफ। ओके बाय। हाँ जी जी मम्मी जी। गुलगुले को क्या पता था जी गुन्नू ने जिसके खिलाफ FIR लिखवाई है वो गुलगुले का जिगरी यार निकलेगा है ना गुलगुले। गोगला 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 अबे गुलगुले कह रहा है गार्गल कर रहा है तू गरारे। ना गांव के सबसे पुराने कुएं पे सूखे कुएं पे बैठे हुए ना बुढ़े सफेद बाल वाले जो है मेंढक ने सिफारिश कर दी है इब। अरे यार चल भाई माफ करा तेने पर यो गुन्नू की जो है एल्बम क्यों ना दे रहा तू। अब मैडम आपसे क्या छिपाना वो क्या है ना उसकी शादी में मैंने अपने असिस्टेंट जिग्नेश को भेजा था उसने फोटो भी खींची थी खेची खेची ने लेकिन बाद में पता चला कि कैमरा में रील तो डाली ही नहीं थी। जब फोटो खींची ही नहीं तो उसको क्या दूं खेची खेची ने। अबे तो बता क्यों ना देता यो बात गुन्नू ने। अरे मैडम कैसी बात कर रहे हैं आप वो अपने दोनों मौसा के साथ इतने गुस्से में आता था कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती थी। अगर सच बता दिया ना तो तीनों मिलकर मुझे ऐसा मारेंगे ना केची केची ने। मैडम मैं इस आदमी को बचपन से जानता हूँ गलती तो किसी से भी हो सकती है ना मैडम इसने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया ना प्लीज कुछ कीजिए ना मैडम कुछ कीजिए। तू निकल जब बुलाएंगे तब आना मैं देखती हूँ केस को जो है कैसे घुमाना है। ओके बाय ले ले बाय जिगरी जिगरी चल मिलते हैं हम फिर हाँ बाय जिगरी बाय चल सॉरी सॉरी मैडम। फोटो शॉप में चला जा उसके संग असिस्टेंट बन ले न कैमरा टांग के चल उसके साथ पीछे पीछे। सॉरी 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 जिगरी मारो यार आइए महोत्सव आइए आइए हम बताते हैं। एक्सक्यूज मी सर ये है हमारे बड़े मौसा जी रामनारायण मौसा जी आ गए दुबई से और अब हमारी शादी का एल्बम मांग रहे हिंदी में। अरे एल्बम मारो मुंह पे। क्यों भाई दुबई रिटर्न मौसा अबे भांजे की बात पे यकीन ना आ रहा कि शादी हो रखी है इसकी। वो तो यकीन है लेकिन ये कैसे यकीन कर ले कि हमारी पत्नी गुल्ली देवी ने जो 10 लाख रुपए इसे शादी के मद में दिए थे वो पूरे के पूरे 10 लाख रुपए इन्होंने शादी के मद में ही खर्च किए। ऐसा है दुबई रिटर्न मौसा विद गोल्ड चेन ऐसा है कि भाई जो तुम्हारा आशा स्टूडियो वाला है ना फोटोग्राफर ने उससे बात कर ली है हमने और उसने कन्फर्म भी करा है
कि थारे इस भांजे की शादी में जो है गया भी है वो, उसने डिनर भी कराया, कॉफी भी पी है और उसने फोटोएं भी खींची है। अब रही बात एल्बम की, ना तो एल्बम कहीं रख के भूल गया है वो, ना जब मिल जाएगा तो दिखा देगा। अरे यार रहने दीजिए मैडम, इन लोगों ने उसे भी कुछ खिला पिला दिया होगा। जरा सोचो गुल्लू, जब तुम्हारी मौसी को यह पता चलेगा कि उनके आंखों के तारे ने उनके पैसे डकार लिए हैं तो उन पर क्या बीतेगी? बेकार में पाला है मौसी ने तुम्हें। अरे बेकार में तो आपको भी पाला है राम नारायण भाई साहब। आप तो बात ऐसे कर रहे हैं सिर्फ जैसे आपने ही पाला हो इसे, हमने तो कुछ पाला ही नहीं है। 2 बजे गर्मी की भरी दोपहरी में हमने कई बार टन-टन कुल्फी खिलाई है गुन्नू को ले जाके रिश्तेदारी में। हाँ अरे कुल्फी मारो मुंह पे। देखा देखा मैडम, आखिर में हम पर इल्जाम लग ही गया कि 10 लाख रुपए हम डकार गए हैं। अब आपके आपके हाथ में हमारे सर पे से इल्जाम हटाना। हिंदी में भाई दुबई रिटर्न मौसा 48 घंटे यानी 2 डेज के अंदर अंदर मैं तेने ऐसी एल्बम दिखाऊंगी जिसे देख के जो है तेने घना शादी का मजा आएगा और तू फुल सेटिस्फाई होके वापस आएगा दुबई। क्लियर? चलिए निकलिए। हाँ चलिए। हाँ मावसे खा देंगे ना। अरे मारो अरे तो दो। अरे ठंडा करो। अरे ठीक है मैडम, आपने ये क्या कह दिया मैडम? आपको तो पता है कोई एल्बम नहीं है। अरे फोटो खींची तक नहीं गई है, फिर 48 घंटे में इन मौसा को क्या दिखाएंगे आप? टॉक टू द हैंड गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। भाई अगर राम नारायण मौसा हो रहा है ना, इसकी जरा मैंने हिस्ट्री पता कर कि कब पैदा हुआ, दुबई कब गया, हैबिट्स क्या हैं, हॉबीज वगैरह, लाइक्स डिसलाइक्स। ओके ओके। मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी बोल। मैं जी उस मौसा की रिपोर्ट ले आया हूँ जी। वो दुबई में रहता है जी और गुन्नू की मासी के टुकड़ों पे पलता है, और मैंने ये भी पता कर लिया है वो एक नंबर का बदमाश, अयाश और रसिया किस्म का आदमी है। मिस्टर मुलायम सिंह गुलगुले, आप समझ गए क्या करना है? समझ गया मैडम, सब कुछ समझ गया। बंद करो हमिंग, ही इज कमिंग। ओके बाय। हेलो, आइए आइए। मुझे अकेले को यहाँ क्यों बुलाया है? सब गोलमाल है। अरे मैंने बुलाया आपको, मैंने। वो क्या है कि जब मैं आपसे पहली बार मिला ना, तो मैं देखते ही समझ गया था कि आप एक नंबर के घटिया मेरा मतलब है कि आप एक नंबर के रसीले, मतलब शौकीन तबीयत वाले इंसान हैं। इसलिए मैंने आज रात को चौकी में आपके लिए कुछ अरेंजमेंट किया है। आज रात को आप चौकी में आ जाइएगा, आपके लिए एक आइटम बुलाई है जो आपके लिए ऐसा बेली डांस करेगी, ऐसा बेली डांस करेगी जैसा बेली डांस आपने दुबई में भी नहीं देखा होगा। अच्छा एक मिनट, ये सब तुम मेरे लिए क्यों कर रहे हो? वो इसलिए क्योंकि क्या है कि अगले महीने मैं दुबई आ रहा हूँ ना छुट्टियों के लिए। अब मैं आपका ख्याल रखूंगा तो आप मेरा ख्याल रखेंगे दुबई में, है कि नहीं? लेकिन आप आइएगा अकेले, क्योंकि क्या भीड़ भाड़ हो जाती है तो मजा नहीं आता ना। राइट वैसे भी मैं ये सब इंतजाम करने की सोच रहा था। अच्छा वो तुमने कर दिया। मैंने कर दिया। ठीक है हो गया, तो हम आते हैं रात को। ओके ओके बेली डांस, राइट मजे लूटेंगे, मजा आएगा। आइए आइए गुलगुले साहब, गुलगुले साहब। अरे लो हमें बुला लिया और खुद घर पे गए। हाँ तो भाई व्यक्तिगण, भाई जैसे कि मैंने कही थी कि विद इन 48 आवर के अंदर अंदर जो है हम मौसा जी को ऐसी एल्बम दिखाएंगे जिसे देखकर जो है इनका हृदय कतई प्रसन्नोचित हो जाएगा और सेटिस्फाई हो गए और दुबई जाएंगे। हैं तो एज पर वादा दिखा दे बेटा एल्बम, शादी का एल्बम। Go ahead. देखिए देखिए और देखिए।
बताइए मौसा जी, कैसा कैसा लगा एल्बम? ओ महाराज, अगे तो देखो, अगे तो और भी फटे चक फोटो हैं। हमारी फोटो कैसी आई है रिश्तेदारी में? बढ़िया है, तुम सूट में एकदम टॉप क्लास भरा ग्लास लग रहे हो। सूट? लेकिन हमने तो कुर्ता पजामा पहना था रिश्तेदारी में। यो! अरे कुर्ता पजामा मारो मुंह पे। हाँ भाई मौसा जी, भाई मन ने इस बात की गारंटी है कि यो एल्बम देखने के बाद नेक्स्ट फ्लाइट से जो है आप दुबई जाना चाहोगे और मौसी को यो एल्बम दिखाना चाहोगे, और भाई यो भी बताना चाहोगे कि आपका जो यो भतीजा है इसने मौसी के 10 लाख रुपए ना बढ़िया तरीके से यूज करे हैं शादी के लिए हैं, और जो कि आप ना बताना चाहो या ना बता पाओ तो भाई इस एल्बम की एक आध कॉपी हमारे पास है, हम एक कॉपी जो है मौसी को कुरियर करवा दे उनके पते पर हैं। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही जाकर के दिखा दूंगा और उसे कह दूंगा कि अपना ये गुन्नू जो है ना एकदम हीरा है, उसने पूरे 10 लाख रुपए अपनी शादी में खर्च किए। अब मैं यहाँ से सीधे दुबई जाऊंगा और वापस लौट के कभी नहीं आऊंगा, यहाँ तो सब गोलमाल है। मौसी जी को नमस्कार कहने मौसा। अरे मैडम, हमने तो अपना एल्बम देखा ही नहीं हिंदी में। ओ, कोई फोटो वोटो खींची ना है, कोई एल्बम ना बनी? नहीं। अबे यो जो है ना, नहीं इसका असिस्टेंट जो है यो थारी शादी में कैमरे में रील डालना ही भूल गया था यो, तो कोई फोटो खींची ना है भाई, लेकिन इसने माफी मांग ली है और गलती इंसान से ही हो गए, और इसने यो कहा है कि थारी एनिवर्सरी पे पार्टी की सारी फोटो है यो ही खींचेगा और लैमिनेट करके भिजवाएगा घर पे थारे। वो तो ठीक है मैडम, पर अगर इसने फोटो खींची नहीं तो फिर आपने राम नारायण भाई साहब को दिखाई कौन सी एल्बम है रिश्तेदारी में? भाई वो तो एक राज से है। हाँ? हाँ? जो राज बन के रहे तो ही बढ़िया है। ओके, अरे राज मारो मुंह पे।